तो दोस्तों ये रहा हमारे पास Realme C51 मोबाइल। दोस्तों अगर आपके पास भी है सेम यही मोबाइल और दोस्तों आप उसमें चाहते हो पॉकेट मोड इनेबल करना, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि पॉकेट मोड क्या है और पॉकेट मोड इनेबल करने से क्या होता है। तो चलिए आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग ओपन करना है, सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट कंट्रोल पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा पॉकेट मोड का, तो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉकेट मोड के सामने टिक डिसेबल है तो इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है टच डिसेबल, ये टिक डिसेबल है तो इस टिक को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे इस टिक को इनेबल करने से दोस्तों होता यह है, जैसे कि दोस्तों आपका जो मोबाइल है आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है तो आपका जो स्क्रीन है इधर उधर टच हो जाता है जिससे वाइब्रेट करता है। तो अगर आप इस टिक को यहाँ पे इनेबल कर दोगे तो आपका मोबाइल जो है मिसयूज नहीं होगा, कहीं भी टच नहीं होगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है स्मार्ट बेल, ये टिक डिसेबल है तो इस टिक को इनेबल करना है। इस टिक को इनेबल करने से होता है जैसे कि दोस्तों आपका मोबाइल आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है तो रिंग टोन यहाँ पे आपके मोबाइल पर कोई भी कॉल आएगी तो रिंग टोन जो है बजने लगती है। तो अगर आपके मोबाइल में ये टिक इनेबल होगी तो आपके मोबाइल में कोई भी कॉल आएगी तो आपकी रिंगटोन जो है मैक्सिमम बजेगी, यानी कि आपकी जो रिंगटोन है बिल्कुल स्लो मोशन में बजेगी और आपका मोबाइल जो है वाइब्रेट करेगा। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है पावर सेविंग, ये टिक अगर डिसेबल है तो इस टिक को इनेबल करना है। इनेबल करने से दोस्तों होता है जैसे कि दोस्तों आपके मोबाइल में यानी कि आपका मोबाइल जो है पॉकेट में पड़ा हुआ है और दोस्तों आप कहीं भी जा रहे हो तो दोस्तों आपका जो मोबाइल है ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्ट कर लेता है जिससे कि आपका जो बैटरी है काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। अगर इस टिक को इनेबल कर दोगे तो दोस्तों आपका जो वाईफाई है ऑटोमेटिक सर्च नहीं करेगा और आपका पावर यानी कि बैटरी बचेगा। तो यही थे दोस्तों यहाँ पे पॉकेट मोड के ऑप्शन जो कि दोस्तों मैंने आपको बताया, जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको सही लगे वो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप Realme C51 मोबाइल में पॉकेट मोड इनेबल कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।